आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। दोस्तों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक सेक्शन से। हमें इस ब्लैंक पे एक करेक्ट प्रीपोजिशन को यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अ स्मॉल एनिमल वॉज मेकिंग रस्टलिंग नॉइस डैश द लीव्स। दोस्तों, यहाँ पर लीव्स के बीच में किसी आवाज की बात कर रहा है, किसी शोर की बात कर रहा है। जो एनिमल होते हैं, आपने देखा होगा कहीं पर वो झाड़ियों के पीछे छुपे रहते हैं और वहां से किसी न किसी तरीके की आवाज या साउंड को करते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर झाड़ियों के बीच, अगर हम कहें के बीच में, तो हम कई तरीकों से यूज करते हैं। बिटवीन का यूज भी करते हैं यहाँ पर हम, और इसके साथ साथ अमंग का यूज भी करते हैं। क्वेश्चन उठता है, इन दोनों में फर्क क्या है? दोस्तों, इन दोनों में फर्क ये है कि जब भी हम बिटवीन का यूज करते हैं तो नाउन की कंडीशन दो होनी चाहिए, ओनली टू नाउन्स। पर जब भी हम अमंग का यूज करते हैं तो नाउन की कंडीशन दो से ज्यादा होनी चाहिए, फॉर मोर देन टू नाउन्स। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम आंसर की बात करें तो अमंग यहाँ पर ज्यादा बेटर सेंस दे रहा है, जबकि बिटवीन नहीं, क्योंकि पत्तियां सिर्फ दो नहीं होंगी, दो से ज्यादा होंगी। और इसी वजह से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए ऑप्शन ए, मीन्स अमंग। एंड आई होप सो दोस्तों कि आपको ये आंसर विद ऑल द कंडीशंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।